ब्रेक के बाद खुश आमदीद नवीद चौरी साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि रहीला साहिबा ने भी जो है वो बात की है, अक्रम चौरी साहब ने जिस तरीके से अपनी हुकूमत का खाका पेश किया है और जिस तरह से इन्होंने कहा है कि हम वो जितने भी एक्सपेंडिचर्स थे उनको कम हमने किया है, अदरवाइज पंजाब जो था वो उसमें बढ़ते जाते, कर्जे हम बढ़ते जाते, तो ये इनका जो भी फॉर्मेट इन्होंने बताया आप एग्री करते हैं चौरी साहब? देखिए, अक्रम चौधरी साहब बहुत समझदार माशाल्लाह स्पोक्स पर्सन है और इनका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है और इसीलिए उन्होंने जो छुपाने वाली चीज़ें थी खामोशी से छुपा ली और अपना गिरिया जो दिखाया वो किसी और तरफ ले गए। बात यह है कि गिरिया बानी अपनी जगह पे, आपने देखा है कि 7 माह के अंदर इन्होंने कौन से डेवलपमेंट प्रोग्राम किए? खुद इन्होंने कहा जी हमारे पास पैसे नहीं थे तो हमने डेवलपमेंट, ये जो जितनी चीजें जो गिनाई वो डेवलपमेंट बजट कूड़े के हालात देख ले लाहौर में, मैं सुन लेना, वो डेवलपमेंट बजट के लिए होते हैं भाई। सादा सी अगर बात देखे तो कूड़े के हालात आप देखें, कूड़े के हालात तो अलीम खान साहब ने उस दिन खराब कर दिए थे जिस दिन उन्होंने वो कैंसिल करने की कोशिश किया था जी, ये हम जो वेस्ट मैनेजमेंट वाले से जो उन्होंने एग्रीमेंट था उसको खत्म करने के लिए। बात यह है कि क्या आपने 7 माह में डेवलपमेंट वर्क किया तो फिर तो मैं कहूँगी जी शॉर्टफॉल था आपके पैसों में। जब आपने कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं किया तो उसका बैकलॉग तो आगे जाके पड़ेगा ना। मैंने तो जितनी निशानदेही की वो तो उन चीजों पे की जहां एडमिनिस्ट्रेशन का रोल था, जिसमें कोई फंड नहीं चाहिए था, जिसमें किसी डॉलर की नहीं, आपने डॉलर की वजह से जो कीमतें बढ़ानी थी आपने खुद अनाउंस की कि इतने से लेके इतनी कीमत बढ़ गई, लेकिन उन कीमतों पर अमल दरामद कराना तो इनका काम था ना एडमिनिस्ट्रेशन का, वो गवर्नेंस नजर नहीं आ रही। जितनी सवनियां जाती है चीफ मिनिस्टर हाउस में वो सारी वैसी वापस आके अनसीन वापस चली जाती है। आप किसी भी ब्यूरोक्रेट से बुला वो कहते हैं हमें हटाने से क्या फायदा, काम ही कोई नहीं कर रहा, काम ही कोई नहीं कर रहा, वहां काम हो नहीं रहा। हर रोज आप सेक्रेटरी चेंज कर रहे हैं और उनको टारगेट दे रहे हैं नहीं करेंगे तो हम ये कर देंगे, इस तरह काम नहीं चलते भाई। वो एडमिनिस्ट्रेशन की वीकनेसेस है, जहां हर रोज चीफ मिनिस्टर को बचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर को खुद आना पड़े और वो आके कहे कि ये कल का वसीम अकरम साबित होगा। क्या मुसीबत पड़ गई उसे वसीम अकरम बनाने की? उसे मंसूर अख्तर ही रहने दें जो है वो, क्यों उसे वसीम अकरम बना रहे हैं? उसे मंसूर अख्तर रहने दें, टिप टिप करता है करने तो कितनी देर तक करेगा, 18 पे नहीं 12 19 पे आउट हो जाएगा, लेकिन करने तो दें। वो उसके अंदर जान डालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे रिमोट कंट्रोल के जरिए से गवर्नमेंट पंजाब चल रही है, इस तरह ही रिमोट कंट्रोल के जरिए से पाकिस्तान चल रहा है। वहां प्राइम मिनिस्टर कुछ बात कहते हैं, उनके फाइनेंस मिनिस्टर कुछ और बात कहते हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर कुछ और बात कर रहे हैं। आपने देखा है कि हर जगह पे जिसके बहुत से डंडोरे फिटे जा रहे हैं वो सब एंड पे जाके पता चलता है कि एस्टेब्लिशमेंट और फौज जिसके मतलब ये कहते हैं कि ये हम सब इकट्ठे हैं, आखिर में निकलता कि सारा बोझ उसी ISPR पे पड़ गया। वही ISPR फिर आके सब चीजों को क्लैरिफाई करती है, वही कोर कमांडर मीटिंग सब चीजों को क्लैरिफाई करती है। तो गवर्नमेंट को तो आपने अंडर प्रेशर खुद कर दिया। जहां डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जिसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आप कहते हैं, वहां इस चीज की बहस हो रही है कि इसका नाम अपनी मां के साथ क्यों, इसका नाम अपने बाप के साथ किया है, तो वो क्या जमहूरियत दिला रहे होंगे इस मुल्क की? जहां आपने, मैं समझता हूं कि परवेज लाई साहब ने बहुत सेन एटीट्यूड उठाया जब मियां नवाज शरीफ वाले इशू को उन्होंने इस तरीके से कहा कि भाई अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों मिलकर फैसला करे, और उसके बाद एक सेन एटीट्यूड आया पूरी गवर्नमेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर से नीचे तक। वरना उससे पहले क्या था, तहजीक मेज रवैये, जब कभी उसमें गायनी वार्ड में डाल रहे हैं, कभी वो किसी और वार्डों में डाल के, तो क्या मैसेजेस दे रहे हैं? मैं समझता हूँ हमें लोगों का खिलवाड़ करने की बजाय, लोगों की इज्जत से खेलने के बजाय, लोगों का मजाक उड़ाने के बजाय अपने गिरेबान में जागना चाहिए कि मुझे मेरी ड्यूटी क्या है और मैं क्या कर रहा हूँ। पंजाब गवर्नमेंट के जब एवेल्यूएशन हुई थी तो कौन से मिनिस्टर के निकले से 30% से ज्यादा मार्क्स? किसी के भी नहीं, सबके जो मुश्किल से पास होता भी नजर नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने कहा चलो जी हम 3 माह और दे देते हैं, 6 माह बाद हम फैसला करेंगे ये कौन सा मिनिस्टर कहाँ रहेगा। वो 6 माह भी गुजर गए। जहां डंग टपाऊ काम कर रहा हो वहां गवर्नमेंटें इस तरह चलती हैं। जब जहां अनसर्टेनिटी हो, आप एक फैसला पहले दिन कर लेते हैं कि आपने IMF में जाना है कि नहीं जाना, तो फिर आज आपको हालात उसके मुताबिक नजर आ रहे थे। हर इन्वेस्टर जो होता है वो सोच रहा होता है कि कल को पता नहीं मुल्क में टैक्स क्या लगेगा। ये देखे ना, अभी बजट पास हुआ और बजट के अंदर फैसला हुआ जी कि नॉन फाइनल्स कहेंगे इंप्लीमेंट होना जाके 1 जुलाई को, तो फायदा क्या आज इसका पास कराने का? 3 माह के लिए और तलवार लटका देंगे, पता नहीं 3 माह बाद जाके आप उसको इंप्लीमेंट करते भी नहीं करते, वहां जाके नहीं जी नहीं ये तो हमें सूट नहीं करता, क्योंकि IMF कहती है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए।
तो ये गुमगु सूरत हाल जो है ना, ठीक वो खराब कर रही है। ठीक है अकरम चौधरी साहब, नवीद चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल पे चल रहा है सारा निज़ाम, रिमोट कंट्रोल पे चल रहा है। अगर तो ये रिमोट नवीद चौधरी साहब के पास है तो वो ज़्यादा बेहतर समझते होंगे, मुझे तो वो रिमोट कंट्रोल कहीं नज़र नहीं आ रहा। हम अपने फैसले करने में बिल्कुल खुद कफील हैं, खुद फैसले करते हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर मरकज़ी और सूबाई हुकूमत एक ही जमात के पास हो और वो फैसले करने से पहले मशावरत करते हों तो उसे ना रिमोट कंट्रोल कहा जा सकता है ना कहना चाहिए। वो दो हुक्मरान जमात के दो रहनुमा हैं, दो जिम्मेदारान हैं, अगर उनके दरमियान मशावरत हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि ये तो उसी तरह है कि आप इस गिलास को कहें कि जी आधा गिलास भरा हुआ है, या मैं कह दूं कि आधा गिलास खाली है, ये आपकी अपनी राय है, लेकिन मेरे नज़दीक मशावरत जो है वो कभी भी नुकसान का बाइस नहीं बनती। मुझे याद तो मैं एक बात कह सकूं, एक फिक्र कह दीजिए, बिल्कुल कह सकते हैं। मशावरत करनी बहुत अच्छी बात है, हर दफा कैबिनेट मीटिंग प्रेजाइड करना मुझे बात समझ नहीं आ रही, बस इतनी को मशावरत नहीं कहते, इसमें रिमोट कंट्रोल कहते हैं। जी ठीक, इस तरह मैं जो वज़ीर-ए-आला का इंडिपेंडेंट होना है उस पर भी सवालिया निशान लगता है। चौधरी साहब, एक तो बात यह है कि कैबिनेट का कोई सेशन इमरान खान साहब ने प्रेजाइड नहीं किया, वो जितनी बार भी आते हैं पंजाब के वज़रा से मुलाकात के लिए, बजाय अब तो खैर वो अक्सर व बेशतर हर दो चार पांच वजारतों के साथ अलहदा मिल लेते हैं, या 20-25 या 30 लोग इकट्ठे भी मिल लेते हैं, शुरू में ज़रूर एक या दो बार उन्होंने पूरे कैबिनेट के सेशन में वज़ीर आला ही ने सदारत की और उन्होंने वहाँ पर अपनी राय ज़रूर दी, लोगों को गाइडलाइन दी, एडवाइस भी किया, सजेशन भी दी, और मेरे नज़दीक इसमें कोई कबाहत नहीं है ना ही इसमें कोई बुराई है। और अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सबसे बड़े सूबे में आते हैं और वज़ीर आला को और अपनी टीम को कोई मशवरा देते हैं, उनके साथ मशावरत करते हैं या रिव्यू भी करते हैं और उनके अच्छे या बुरे कामों पर बुरू पे क्रिटिसिज्म और अच्छों को बेहतर बेटर करने के लिए भी कुछ सजेशन देते हैं, मैं इसमें कोई बुराई नहीं समझता। हाँ ये ज़रूर है कि हमारे यहाँ ये रवायत नहीं रही, हमारे यहाँ मियां नवाज शरीफ ने अगर हुकूमत की तो उन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक अपनी मर्जी से हुकूमत की है, ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके पास अपना तरीकाकार था, ये हर शख्स का अपना तरीकाकार है, आप किसी के तरीके पे अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, लेकिन ये कहना कि ये तरीका गलत है, आपकी राय में गलत है, मेरी राय में आपके फैसले गलत थे, मेरी राय में मियाँ नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ का तर्ज़ हुक्मरानी गलत था, मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूँ। मुझे तो सवाल ये पूछना है कि एक सवाल मेरा सब लोगों से है, आवाम से भी है, चौधरी साहब से भी है, मोहतरमा से भी है, कि जिस मुल्क की इनकम 3500 बिलियन हो वहाँ 10,000 बिलियन खर्च करने के लिए हम जो कुछ करते हैं कि क्या वो एक खुद मुख्तार बावकार बाइज्जत मुल्क की निशानी है, क्या वो एक मिनट आप जरूर दीजिए, क्या वो इन 7 महीनों का शाखाना है, क्या डॉलर की कीमत 122 रुपए से जो पहले 99 से 122 रुपए पे गई और जिस तरह रोकी गई और जिस तरह आर्टिफिशियली वहां पर मौजूद थी, क्या ये इकोनॉमी रन करने का तरीका है, क्या हर चीज पर सब्सिडियां दे के अवाम की हालत को बेहतर किया जा सकता है, क्या यही आर्टिफिशियल तरीका इस मुल्क को आगे लेके जा सकता है। ये दो तरीके हैं, दो राह हैं, अपना अपना तरीका है। मैं तो ये समझता हूं कि हमें अपनी चादर देख के पांव फैलाने चाहिए, अगर हम अपनी चादर से बाहर निकलेंगे तो यकीनन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आने वाली नस्ल उसका खमियाजा भुगतेगी। अगर इसको करेक्शन कर रहे हैं तो मैं ये समझता हूं कि अगर पाकिस्तान की सियासी जमातें इस मुल्क के साथ मुखलिस हैं, हम उनको ज़रूर हमारी गलतियों की, खामियों की, बुराइयों की निशानदही करनी चाहिए, लेकिन खुदा रहा इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। इस मुल्क में अभी भी कौम साजी की ज़रूरत है, इस मुल्क में अभी भी आइंदा आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए काम करने की ज़रूरत है, हमें अभी भी बहुत कुछ करना है।
ہم نے کوئی کارنامہ ہائی انجام نہیں دی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی رہیلا صاحب. نہیں بات ٹھیک ہے, بڑی خوبصورت میرے بھائی نے بھی تقریر کی. میں نے تو کہا کہ جناب بڑے خوبصورت سہانے خواب جو دکھاتے رہے ہیں, اور جو الیکٹڈ گورنمنٹس تھی ان کے خلاف بھی میدان میں آ کے یہ اسی طرح کی تقاریر کرتے رہے. تو بھائی میرے, ہم بھی بار بار اسمبلیوں کے اندر بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ محسوس کریں, اب آپ حکومت چلا رہے ہیں جناب, اب آپ ہر وقت پچھلی حکومتوں کا رونا نہ رویا کریں, ان پر تنقید نہ کیا کریں, اپنا کوئی مثالی کردار بھی ہمیں بتائیں. ایک میگا پروجیکٹ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے پنجاب کے اندر اناؤنس کر دیا ہو. ایک میگا پروجیکٹ عمران خان صاحب نے, وہی سارے پروجیکٹس کی انوگریشن دوبارہ کر رہے ہیں جو میاں محمد نواز شریف نے ان کو شروع کیا ہوا تھا یا میاں شہباز شریف نے اس کے اوپر کام کیا ہوا تھا اور وہ چل رہے تھے. آپ کوئی ایک بھی ہمیں ایسا سسٹم بتا دیں جس کی بہتری کی طرف یہ گئے ہوں. ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر, ہر سسٹم کے اندر یہ ناکام چلتے ہوئے آ رہے ہیں. آپ بات کر رہے ہیں کہ سبسڈی, اگر آپ آئین پاکستان دیکھیں تو فنڈامنٹل رائٹ ہے اسٹیٹ کے ہر آدمی کا کہ جناب اس کو سہولیات ملنی چاہیے. آپ کو ٹیکس کلیکشن جب کریں گے تو اس کا آپ کو حق ہے کہ وہ عوام کے اوپر صرف ہو. آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب سبسڈیاں دے دے کے عوام کو کیسے, عوام کا حق بنتا ہے. آپ اس کو ویلفیئر اسٹیٹ ہے آپ کی, یہ اسلامی ریاست ہے جہاں پر آپ نے لوگوں کے اوپر خرچ کرنا ہے. آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کیسے خرچ کریں؟ آپ نے مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے جناب. آپ بھی آرٹیفیشل ذرا ڈالر کے پرائسز کو بڑھا کے دکھائیے, وہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ کے پاس اسد عمر بہت جناب ہائپ کریٹ کیا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے کہ جناب پیٹرول کے پرائسز بڑھا دیے, یہ ان کی جیبوں میں جا رہے. تو مجھے بتائیے آج اسد عمر کس کی جیب میں ڈال رہے ہیں وہ پیٹرول کے پرائسز؟ باتیں کرنا بہت آسان ہے, آپ کے پاس جو چیز موجود تھی جناب آپ اس کے اندر اپنی گورننس دکھا سکے, آپ تو اس کے اندر فیلئر ہیں. آپ مجھے کوئی ایک ایسا بتا دیں جو آپ نے ایسا کارنامہ سر انجام دیا جس کے اوپر آپ کھڑے ہو کے آج کچھ بات کر سکے. آپ انڈے اور مرغی بیچنے پہ عوام کو لگا دیا, کتنی دیر آپ انڈے اور مرغی بیچ لیں گے؟ 5 سال آپ کے یہ انڈے اور مرغی نہیں بکیں گے بھائی میرے, آپ کو ڈلیور کرنا پڑے گا. اور اگر نہیں کرنا پڑے گا, نہیں کریں گے تو آپ کا انجام پاکستان کے عوام تو دیکھیں گے, دنیا بھی دیکھے گی کہ آپ کے ساتھ سلوک کیا ہو گیا. ٹھیک ہے نوید چوری صاحب, یہ آپ بتائیے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں یہ ابھی میرے بھائی نے معاشیت کا بہت اچھا اصول بتایا, اسی اصول کے تحت معاشیت کا اصول نیچے تک بھی آنا چاہیے نا. جن بیچاروں کی آمدن 10,000-11,000 ہے, ان کا بل آ رہا ہے 25,000 روپے, وہ کہاں سے دیں گے؟ ان کا کیا ہوگا؟ وہ کون سا گھر بیچیں گے؟ وہ اپنے آپ کو بیچیں گے, کس کو بیچیں گے؟ یہ بھی تو دیکھ کے سوچنا چاہیے تھا نا کہ بھی ہم جو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں کیا اتنی سخت ہے. آپ نے کہا ہم لون نہیں لیں گے, اس وقت ڈومیسٹک لونز آپ کے ریکارڈ لون ہے, اس سے زیادہ کبھی آج تک لون ہوئے ہی نہیں ہے. اس کی وجہ سے وہ کیا ہو رہا ہے کہ تمام کمرشل بینک اس گورنمنٹ کو لون دے رہے ہیں, نہ کہ پرائیویٹ سیکٹر کو کہ وہ بزنس کر سکے. آمدن کا ذریعے آپ نے روک دیا عوام کے, اور آپ کہہ رہے ہیں جی ہم بہت بڑی ریفارمز لینے جا رہے ہیں. اکنامک ڈیزاسٹر لے کے آئے ہیں اسد عمر صاحب, اور یہ ڈیزاسٹر اس لیے لائے ہیں کہ وہ اکانومسٹ نہیں تھے. جو ایک آرگنائزیشن کے اندر رہتے اس کو تباہی کے دھانے پہ لے گئے تھے اینگرو کو, آج وہ اسی طرح ملک کو لے کے جا رہے ہیں اور صرف گفتگو کر رہے ہیں. آپ ایک بجٹ پیش کرتے ہیں جو اپنے آنے کے بعد کہ جی ہمیں صحیح بجٹ نہیں ملا, ہم نے یہ پیش کیا, اسی بجٹ کے بعد تیسرا بجٹ ایک اور آ جاتا ہے, اس کے اندر بالکل ہی آپ یو ٹرن پہ لے جاتے ہیں اور ساری چیزیں آ جاتی ہیں, اور وہ چیزیں لگا رہے ہیں جو نظر آ رہی ہیں کہ آپ نہیں ڈلیور کر سکیں گے, حقائق نظر آ رہے ہیں. آپ لوگوں کو خوشیاں سناتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ دے دیں گے, آپ کو وہ دے دیں گے, لیکن کہاں سے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں ہمارے پاس آمدن کے ذریعے نہیں ہے, تو پھر دیں گے کہاں سے؟ نہیں, ایک اور امینڈمنٹ انہوں نے وہ بھی جنا فنانس بل بھی دے دیا, دو دے چکے. نہیں میں اسی کی بات کہہ رہا ہوں, آپ کیا دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں آپ نے کہا جی کہ آرٹیفیشل ڈالرز, ٹھیک ہے جی آرٹیفیشل ڈالر تھا اور اس کی وجہ تھا, لیکن ساتھ ساتھ کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بھی چل رہے تھے. مجھے بریک لینی ہے.